हाय स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख के बहुत बोरिंग फील होता है, लेकिन क्वेश्चन को देखें समझें तो बहुत इजीली क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें गिवन क्या है। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हमने यहाँ तक पढ़ा और क्या इमेजिन किया कि एक सर्कल होगा, उसमें दो कॉर्ड्स होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट सम पॉइंट। तो हमने लिख लिया दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी जो कि इक्वल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ई पे। ओके, हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट ई टू द सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं, द एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सो हमने लिख लिया टू प्रूव दैट ए ई ओ इज़ इक्वल टू डी ई ओ, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज़ ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने कंस्ट्रक्शन किया ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ताकि हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं। अब इन दो ट्राइंगल्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट टू प्रूव इन ट्राइंगल एल ई ओ एंड ट्राइंगल एम ई ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें सबसे पहले जो दिखती है वो है ई ओ, दैट इज़ ओ ई इक्वल्स टू ओ ई एंड दैट इज़ अ कॉमन साइड, वो कॉमन साइड होती है। दूसरा हमें दिखता है ओ एल ई यानी जो 90 डिग्री बन रहा है एंड ओ एम ई, ये भी 90 है। तो हम लिख लेते हैं ओ एल ई इज इक्वल टू ओ एम ई, दैट इज़ 90 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं हमको ये जो ओ एल साइड है और ओ एम साइड है वो इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। रीज़न क्या है कि ओ एल और ओ एम जो है वो डिस्टेंसेज हैं सेंटर से कॉर्ड्स के, और हम जानते हैं दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, इसलिए ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। बस प्रूफ हो गया हमारा दैट ट्राइंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम ई बाय आर एच एस रूल। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन वी कैन easily say that ये दोनों angles भी equal हैं by CPCT। तो हम यहाँ लिख लेते हैं angle एल ई ओ इज इक्वल टू एंगल एम ई ओ बाय सी पी सी टी। सो हेयर ये प्रूफ हमारा कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी है। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और एक लाइन ए डी उनको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो हमें प्रूव करना है दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमको प्रूव करना है। हम लिखेंगे गिवन क्या है दैट ए डी इंटरसेक्ट टू सर्कल्स एट पॉइंट ए बी सी डी। प्रूव हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे थोड़ा सा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। इस कंस्ट्रक्शन से हमें ये समझ में आएगा दैट बाय थ्योरम 10.3 वी कैन अंडरस्टैंड दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल हाफ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट जब ये बी सी कॉर्ड को यानी इनर सर्कल की कॉर्ड को डिवाइड कर रही है तो हम कह सकते हैं बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब आउटर सर्कल के लिए हम डिवीज़न ले रहे हैं इसी कॉर्ड से तो हम कह सकते हैं दैट ए एम इज इक्वल टू एम डी बाय द सेम थ्योरम। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। सो व्हाट डू वी गेट ए एम, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। ए एम में से बी एम चला गया, क्या रह गया ओनली ए बी, एंड एम डी में से एम सी चला गया, क्या रह गया ओनली सी डी। हैंस प्रूव्ड।